सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम सभी अपने अध्ययन का पुनः प्रारंभ करते हैं। आइए हम सभी सर्वप्रथम माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं और इस वीडियो में आगे हम अपने अध्ययन को बरकरार रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि हिंदी की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चला के अमर हो गए, हमारे मन के भावों को पढ़ने में जितने ये सफल हुए, इतनी सफलता कम ही लोगों को मिल पाती है, चाहे मधुशाला लिख करके, चाहे आत्मपरिचय लिख करके, और चाहे अपनी ज़िंदगी की कमियों को दिखाते हुए दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक शीर्षक कविता लिख के। तो आइए हम इस कविता का शीर्षक देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसके लिए, कब इन चीजों की हम जानकारी लेते हैं। पहले आइए हम सस्वर वाचन करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल कर तापद को भर ताउर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए हम इसकी लाइनों को देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, देखिए इंतजार का समय बहुत धीरे चलता है, और कभी कोई समस्या हो उससे निपटने का आप प्रयास कर रहे हो तो ऐसा दिन बड़े धीरे धीरे ढलता है, ऐसी समय बहुत धीरे धीरे गति करती है। हरिवंश राय बच्चन जी अपने उस सूनेपन को, अपने उस मन के दुख को, दिल के दर्द को बताते हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जब उसे उसी जिम्मेदारियों के बीच में ढेर सारा स्नेह प्रेम प्यार मिल रहा होता है, उस समय की बात कुछ और होती है, और जब उस व्यक्ति के जिंदगी में खालीपन हो जाता है, सूनापन हो जाता है, उस सूनेपन में वह व्यक्ति किस तरह से परेशान होकर रह जाता है, उद्देश्य विहीन लगने लगता है जीवन, किस तरह से व्यक्ति घुटता है, तड़प उठता है, और उस पे व्यक्ति का कोई वश नहीं चलता है, इस बारे में मैं आपको इस कविता के अर्थ के द्वारा अवगत करवाऊंगा। हरिवंश राय बच्चन जी के दिल का सूनापन शायद वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति मन में दुखी हो, दुनिया के सारे नज़ारे उसके लिए बेकार साबित होते हैं, उन नज़ारों का कोई मतलब नहीं। मन प्रसन्न हो तो सूखे का दृश्य भी आंखों के सामने होगा, फिर भी वह व्यक्ति मन से हरा भरा होगा। झुलसती धूप में भी मन झूम उठता है यदि अपने पन की हवा कहीं से चल पड़ती है। वसंत भी फीका फीका लगता है जब व्यक्ति का खुद का आंगन सूना होता है।
आइए हम देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन का पंथी सूरज, भगवान सूर्य को अस्ताचल तक जाना है, जहां वो डूबते हैं उसको अस्ताचल बोलते हैं। उस उनके जाने की राह में उनको लग रहा है कहीं रात न हो, कहीं देरी न हो, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं और दिन भर के थकान, कार्य के थकान के बावजूद भी वह सूरज अपनी गति को बढ़ा लेता है, क्योंकि समय बहुत तेज चलता है, समय की गति काफ़ी तेज है। समय के साथ चलने वाले ही जिंदगी में खुशियां पाते हैं। जब दिन भर काम करने वाले, उस रास्ता चलने वाले राहगीर की थकान शरीर को परेशान करती है, फिर भी मंजिल पास है, वहां पहुंचना जरूरी है, इसलिए वो अपनी थकान को भूल करके भी अपनी गति को बढ़ा लेता है और किसी भी हाल में मंजिल तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करता है। आइए और लाइनें देखते हैं। अब ये इसी बात को चिड़िया के संदर्भ में कहते हैं। एक चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, बच्चों को छोड़ करके, अपना वह स्थान छोड़ करके, वह प्लेस छोड़ करके जहाँ पे उसने अपने बच्चों को रखा हुआ है, जहाँ उसकी सारी खुशियाँ हैं, उसको छोड़ करके जाती है। दिन भर चारा चुगती है, पेट भरने का प्रयास करती है, बच्चों के लिए भी लेके आती। शाम के टाइम में चिड़िया थकी हुई है, दिन भर की मेहनत है, दिन भर का परिश्रम है, थकान बिल्कुल स्पष्ट हो रही है पंखों पर, क्योंकि वो पैरों से तो नहीं चली है, पंखों से ही उड़ी है ज़्यादा, तो थकान पंखों में है, पैरों से भी चली होगी तो उसका भी होगा। लेकिन जब उसे याद आता है कि बच्चे हमारी उम्मीद लगाए बैठे होंगे, प्रत्याशा में होंगे, हमारी चाहत उनके दिल में होगी, वे एक उम्मीद लगाए बैठे हुए होंगे, आशा में बैठे होंगे कि मैं आऊँगी, मैं यानी उसकी माँ आऊँगी, उसे ढेर सारा प्रेम करूँगी, उसके लिए कुछ लेके आऊँगी, ऐसे बच्चे उम्मीद लगाए हुए होंगे। यह ध्यान, जैसे ही यह ख्याल आता है उस चिड़िया को, तैसे ही उस चिड़िया के परों में, पंखों में चंचलता फिर से भर जाती है, स्थिरता समाप्त हो जाती है, चंचलता भर जाती है, गति बढ़ जाती है, चिड़िया तेजी से अपने घोंसले की तरफ, अपने निवास की तरफ, अपने बच्चों के रहने वाले स्थान की तरफ चल पड़ती है। कवि कहता है, दिन बड़े जल्दी जल्दी ढलता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के लिए समय काफी तेज गुजर रहा है, ऐसे लोगों के लिए समय के साथ चलना कितना आवश्यक है, कितनी प्रबल उत्कंठा है उनके मन में, कितना वेग है, मनोवेग है, बड़े मनोयोग से वो अपने घर की तरफ जाने के लिए आतुर है, बिल्कुल व्याकुल है, परेशान है, और थके हुए होने के बाद भी थकान का प्रभाव उसे प्रभावित नहीं कर पाता, और वह चिड़िया अपने घोंसले तक पहुंचने का सारा प्रयास कर ही बैठती। ये चीजें देख करके हरिवंश राय बच्चन जी बड़े ही व्याकुल होते हैं, बड़े ही इमोशनल हो जाते हैं, बड़े ही भावुक हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक चीज जानिए, मैंने पहले ही बताया, जब खुद का मन दर्द से भरा हुआ हो तो सामने वाले की कोई बात दुख ही देती है। चांदनी रात भी काट खाती है जब व्यक्ति के मन में स्वयं विरहाग्नि धधक रही हो, परिस्थितियां अच्छी लगती हैं जब मन स्थिति अच्छी हो, आदमी मन से प्रसन्न हो, बहुत बड़ी बात। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं वाला जीवन जब आदमी जीता है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो हाई स्कूल में, वो भी परम दुख है। शारीरिक सुख है लेकिन मानसिक सुख है ही नहीं, यही बात यहां भी है। हरिवंश राय बच्चन जी परेशान हैं, इनका घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है,
जो इनके हृदय में वास करने वाला है, जिनके प्रति इनके लिए इनके मन में अपार प्रेम है, श्रद्धा है, ढेर सारा प्यार है, उस प्यार को पाने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे बीत रहा होगा हरिवंश राय बच्चन जी, किस तरह हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन की उस दुखद स्थिति को झेल रहे हैं, उनको चिड़िया जो कि व्याकुल है जाने के लिए उसको देख करके ये और परेशान होते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन इंतजार कर रहा होगा, अर्थात कोई नहीं इंतजार कर रहा। अगर मेरा भी कोई इंतजार करने वाला होता तो शायद मेरे भी जीवन की खुशियां इतनी अपार होती, इतनी बड़ी हुई होती कि थकान के बाद भी थकान का एहसास मुझे नहीं होता। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं, मैं किसके लिए अपनी गति को बढ़ा दूं, गति बढ़ाकर घर पहुंच भी जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, कौन है जो ढेर सारा प्यार करने के लिए बाहें फैला के मेरी तरफ दौड़ेगा, कौन है जिसकी आंखें मेरी आंखों में पड़ते ही चमक उठेंगी और मैं अपना सारा दर्द दुख भूल करके उसे गले लगा लूंगा, ऐसा प्यार करने वाला कौन है। कभी आप देखे होंगे चिड़िया के आने के बाद जिस तरह से बच्चे आंख नहीं भी खुली हुई होती है फिर भी चोंच दोनों अलग करके ची ची की आवाज करके उछलने लगते हैं, मतलब माँ का दर्शन नहीं किया है, अभी अंडे से निकले हैं लेकिन आंखें खुली नहीं है, लेकिन माँ के आने पर आने की जो आहट है उस आहट से चोंच अपने आप खुल जाते हैं। माँ के आने की इंतजारी इतनी भीषण है, इतने बेकरार हैं कि माँ के आने के पहले ही वो उनके शरीर का रोम रोम रोमांचित है, रोमांच हो आया है। यही रोमांच काश हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में भी होता तो शायद कुछ और पाने को बाकी न रह जाता, लेकिन सारा कुछ सुना है बस एक रोमांच के पीछे, क्या कोई इंतजार करने वाला नहीं है। वो बच्चे, वो इनकी प्रेयसी, जिनकी प्राप्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की खुशियां पाने से भी अधिक होती, सारी दुनिया की खुशियां एक झोली में सिमट के रह जाती अगर ये चीजें होती तो। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, किसके लिए चंचल हूं, कौन है जो मेरे लिए व्याकुल होगा, अर्थात कोई नहीं है। मैं किसी के लिए व्याकुल नहीं हो सकता। यह प्रश्न उठता है मेरे मन में, शिथिल करता पद को, शिथिल धीमा कर देता है, थकान और भी भर जाती है मेरे पैरों में, अर्थात थकान से पैर तो वैसे ही नहीं उठ रहे थे और भी उनका उत्साह नष्ट हो जाता है, पैरों का भरता उर में विह्वलता है और हृदय व्याकुल हो जाता है, हृदय फटने सा लगता है, हृदय टूट सा जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों नहीं कोई इंतजार करने वाला, क्यों नहीं कोई है जिसका हृदय मेरी इंतजारी में धड़क रहा हो, क्यों नहीं वो नन्हे मुन्ने मेरा इंतजार करते, क्यों नहीं वो प्रेयसी मेरा इंतजार करने वाली होती जिसके इंतजारी के कारण मैं घर पे पहुंच के अपना पहुंचना सफल कर लेता। अगर आप इन सारी बातों को समझ चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप हरिवंश राय बच्चन के भावों से अवगत हैं, मेरे द्वारा की गई व्याख्या से अवगत हैं, मेरे द्वारा दिखाए गए हरिवंश राय बच्चन के उस दर्द से अभिभूत हैं और आपने कविता की गहन व्याख्या समझ ली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ ऑनलाइन, आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपके मन में जिन प्रश्नों को जानने की उत्कंठा हुई है उसको आप जान सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है।
बस आज इतना ही, बाकी अगले किसी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए, सुनने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी सस्वर वाचन जरूर करें। विभिन्न गानों की विभिन्न ध्वनियों पे यह कविता गाई जा सकती है। गाएं, अपने छोटों और बड़ों को सुनाएं, परमानंद में डूबें, आनंदित हों, खुश रहें इस विषम परिस्थिति वाले कोरोना काल में। आप सभी प्रसन्नचित्त हों। बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।